भाई दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख सकते हैं जो गाड़ी है टाटा सफारी है, ठीक है। गाड़ी के अंदर जैसा कि उसको मिसिंग कर रही है, ठीक है, मतलब जो इसका इंजन है मिसफायर कर रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इसका हम लोग इंजेक्टर वगैरह खोलते हैं या कभी कुछ और इशू आ जाता है। ज़्यादातर इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके जो सॉकेट है लूज हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी गाड़ी में होता है गाड़ी सही हो जाती है, कभी प्रॉब्लम आती है, इसके जो सॉकेट है लूज हो जाते हैं। इसका भी हम लोगों ने इंजेक्टर चेंज किया, ये वाला एक नंबर इंजेक्टर, इसका कोडिंग करके आपको दिखाता हूँ वीडियो में। इसका जो नंबर है यहाँ पे देख सकते हैं सामने नंबर, ये वाला जो नंबर है थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा क्योंकि इंजेक्टर फिटिंग है, ये वाला नंबर। इसको कैसे कोडिंग करके आपको लॉन्च किया स्कैनर से दिखाता हूँ मैं। और इसका जो कनेक्टर है यहाँ पे लगता है, देख सकते हो इसका कनेक्टर। सबसे पहले अपने को एक मिनट आपको क्लियर दिखाता हूँ। यस, एक सेकंड ना, अपने को इस पर क्लिक करना है। इसके बाद लोकल डायग्नोस यहाँ पे अपने को चूज करना है एशियन। यहाँ पे नीचे आओगे आप तो और ऊपर यहाँ पे देखोगे टाटा इंडियन लिखा रहेगा, टाटा इंडियन, ठीक है, टाटा इंडियन। इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे जैसा कि पैसेंजर कार, ये सब नैनो कार, गाड़ी अपनी कौन सी है ओल्ड मेन्यू में जा सकते हैं। अपने न्यूट्रली व्हीकल्स क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं एरिया हेक्सा सफारी स्ट्रॉम सोमू सब लिख के आ रहा है। यहाँ पे सफारी पे क्लिक करना है, पूछ रहा है पेट्रोल गाड़ी डीजल, तो अपनी गाड़ी डीजल है। कौन सा इंजन इसमें 2.2 लीटर, इस पर क्लिक करना है। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रीड फॉल्ट कोड, जो फॉल्ट आ रहा है वो चेक कर लेना। उसके बाद फॉल्ट क्लियर करना है। कोडिंग करने के टाइम गाड़ी बंद रहनी चाहिए, इग्निशन ऑन रहना चाहिए, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट रहेगी तो कोडिंग सही से नहीं होता ये। फॉल्ट मेमोरी क्लियर कंप्लीट। यहाँ पे देखोगे आप स्पेशल फंक्शन का एक ऑप्शन आता है, स्पेशल फंक्शन देख सकते हो। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डीजल कहीं लीकेज है कि नहीं लीकेज, वो भी चेक कर सकते हो। इसमें एक ऑप्शन आता है इंजेक्टर कोडिंग, ये ऑप्शन है इंजेक्टर कोडिंग, ठीक है। ये इसका ओल्ड नंबर है, जैसा कि देख सकते हो एक नंबर का हम लोगों ने इंजेक्टर चेंज किया है। जो पुराना नंबर ये लिखा हुआ है 16 डिजिट का नंबर आता है, ये 28C जो नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका नंबर है, अपने को ये चेंज करना है तो ओके पे क्लिक करना है। डू यू वांट टू चेंज, यस यस पे क्लिक करना है। तो एक नंबर इंजेक्टर का जो यहाँ पे 16 डिजिट का नंबर है वो इनपुट कर देना है। सर नंबर बताइए जरा। उसकी आप मोबाइल में फोटो ले सकते हो या देख सकते हो, अभी हम लोग ने मोबाइल में इसका इमेज जो है फोटो ले लिया है। यहाँ पे नंबर डाल देते, ठीक है। एक नंबर बताना सर, 5CA, एक सेकंड ना, 5CA 90 बी 92 B1 79 8D 89 यही है। हाँ। एक बार कंफर्म कर लेते, एक सेकंड, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं कोड ताकि अगर वो हो जाए तो। BC 5C A90B92B1 ओके। तो एक नंबर इंजेक्टर हो गया यहाँ पे, इस पे ओके पे क्लिक करना है। दो नंबर का मांग रहा है, दो नंबर पे डाल देते हैं। यहाँ पे दो नंबर का बताओ सर, 20 B9 53 D7 B9 65 88 CB ओके। नंबर 3 ACB D डबल बी 5A 318 54 B4 A यही है ना, ACBD ना, डबल बी ओके। नंबर 4 F4 BE 23 Double D 3D B5 Double C 2C complete okay। इंजेक्टर 1 ओके, यानी इसने चेक कर लिया, ठीक है। इंजेक्टर 1 ओके, इंजेक्टर 2 ओके,
इंजेक्टर 3 ओके, इंजेक्टर 4 ओके। तो इसका जो इंजेक्टर कोडिंग है सक्सेस हो गया, ठीक है, चारों इंजेक्टर्स ने चेक कर लिया है। इसमें एक्सीलेटर पैडल का फॉल्ट आ रहा है, बाकी कोई फॉल्ट नहीं आ रहा। एक बार क्लियर फॉल्ट मेमोरी, यस कंप्लीट। थोड़ा इसको बैक कर लेना है, वापस से इसमें जाना है, स्पेशल फंक्शन में चूज देखना है, वहाँ पे इंजेक्टर कोडिंग। तो आप नंबर देखोगे आप चेंज हो गया रहेगा। फर्स्ट नंबर जरा बताइए सर। 28C18B9 फर्स्ट नंबर का। हाँ फर्स्ट नंबर का। ओके एक मिनट, जैसा कि देख सकते हो अभी गाड़ी के अंदर नॉकिंग नहीं है, ठीक है ना, गाड़ी का इसका जो इंजेक्टर है नॉकिंग नहीं कर रहा, गाड़ी में भी मिशन नहीं है सर, इसका इंजन एकदम स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है, देख सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।